हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजाक अप्लाई करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ हमारे 3 स्टेप में क्या कैलकुलेशन को बैलेंस करना, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करता है। पहला स्टेप, इसको सबसे पहले मैंने डिवाइड किया LHS एंड RHS में। देन जो एलिमेंट्स की जो वैल्यू है यहाँ पर नोट की आती है। सिल्वर आप देख सकते हैं 1 है। देन नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 3, देन कॉपर इज 1। यही काम आपको स्टार्ट भी करना है। सिल्वर इज 1, नाइट्रोजन 2, देन ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 6 हो गया, देन कॉपर इज 1। ये इतना काम तो करना पड़ता है पहले स्टेप में। अब आते सेकंड स्टेप आती है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा और पता लगाऊँगा कि हमारे केमिकल क्वेश्चन नंबर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए चेक करते हैं। सिल्वर 1 सेम, नाइट्रोजन 1 एंड 2 डिफरेंट, ऑक्सीजन 3 एंड 6 डिफरेंट, कॉपर 1 एंड 1 सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ के नंबर सेम है और कुछ के नंबर सेम नहीं है एलिमेंट्स के। मीन्स ये हुआ कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 आती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज करूँगा जिससे क्या होगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप बेहद आसान तरीके से सीख जाएंगे। आइए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे का होल 12 है तो क्या किया जाए, आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। जैसे 2 हुआ तो क्या होगा, नाइट्रोजन देखिए सबसे पहले ये 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा सिल्वर में तो कितना होगा, ये 2 हो गया। अब जब यहाँ का 2 हुआ तो क्या किया जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कीजिए तो कितना हो गया, ये सिल्वर 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। 2 का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में 3 मल्टीप्लाई 2 हुआ कितना होगा, ये टोटल 6 हो गया, ये भी बैलेंस। कॉपर 1 एंड 1 सेम दे रखा। तो आप देख सकते हैं सारे नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मीन्स ये हुआ हमारी केमिकल इक्वेशन बेहद आसान तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अगर आप भी चैनल में पहली बार आएँ तो आप भी बहुत आसान तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।